नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SS ऑटो केयर। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं सिक्योरिटी अलार्म यानी म्यूजिक प्लेयर वाला सिक्योरिटी अलार्म के लगाने के बारे में। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये बक्स है जो सिक्योरिटी अलार्म है, ये म्यूजिक प्लेयर वाला। ये किसी भी बाइक में आप लगा सकते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का बाइक हो किसी में भी ये लग जाएगा, या स्कूटी बाइक टू व्हीलर कोई भी चीज़ हो उसमें आप ये लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी अलार्म, दो स्पीकर, एक डिवाइस और एक रिमोट इसके साथ मिलता है, कुछ पत्तियाँ मिलती है, स्क्रूप मिलते हैं टाइट करने के लिए बाइक के साथ। तो ये आपको हमने ये अमेजोन से मंगाया था, जो हमें ये 800 के आसपास ये पड़ेगा। और अगर आपको ये सिक्योरिटी अलार्म चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है डब्बा, यहां पे सारा कुछ दिया है। इसमें ब्लूटूथ है जिससे मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें USB है, SD कार्ड लगाने के लिए सुविधा दिया है, FM है, म्यूजिक प्लेयर है, और यहाँ साथ में सिक्योरिटी अलार्म है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो USB दिया है वो मोबाइल से हम कनेक्ट करके मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, और साथ में म्यूजिक भी कनेक्ट कर सकते हैं और बजा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो स्पीकर दिया हुआ है वो बहुत ही पावरफुल है, 10 वाट का बूफर स्पीकर है जिसमें बेस बहुत बढ़िया आता है। तो हम ये बाइक में लगाकर आप अपना सफ़र बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं बाइक के पास और इसको इंस्टॉल करते हैं। अब बाइक हम ये कवर ओपन करते हैं और देखते हैं इस कवर में है क्या। आप देख सकते हैं ये हमने बॉक्स ओपन किया, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें है एक डिवाइस और साथ में एक रिमोट। आप देख सकते हैं ये डिवाइस है, और डिवाइस में ये सॉकेट लगाने वाला है वायर का, और दूसरे साइड इसमें तीन बटन दिया हुआ है जो प्लस माइनस का और बीच में मोड चेंज करने के लिए दिया है, साथ में SD कार्ड और USB दिया है। ये सब सपोर्ट है, आप देख सकते हैं ऊपर डिवाइस पे ब्लूटूथ लिखा है, तो आप ये मोबाइल से कनेक्ट करके ब्लूटूथ के जरिए MP3 बजा सकते हैं इसमें, और MP3 भी चलेगा, साथ में FM रेडियो चलेगा, सिक्योरिटी अलार्म चलेगा और ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। आप देख सकते हैं इसमें ये है वायर जो हम बाइक से कनेक्ट करेंगे, और साथ में ये पत्ती दिया है जो कुछ स्क्रूप है। तो यहाँ पे हम चार छेक देख रहे हैं, यहाँ पे स्पीकर टाइट होगा और यहाँ पे हम बाइक में कहीं भी टाइट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दो स्पीकर भी है इसमें, पावरफुल स्पीकर है जिसको हम बहुत ही पावरफुल स्पीकर, 10 वाट का ये स्पीकर है जिसको हम बूफर स्पीकर भी कहेंगे, इसमें सॉकेट के साथ दिया है। तो ये बहुत ही पावरफुल स्पीकर है, जो ये पता नहीं ये वाटरप्रूफ है कि नहीं, तो ये तो चलाने के बाद ही पता चलेगा ये वाटरप्रूफ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दो रिमोट, एक रिमोट, दो स्पीकर, एक डिवाइस दिया है इसके साथ। तो चलिए आगे हम सेट करते हैं। आप देख सकते हैं ये दो पत्ती और कुछ स्क्रूप दिए हुए हैं, तो इस पत्ती को हम स्पीकर के साथ टाइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं चार होल दिया है स्पीकर के साथ, और चार पत्ती के साथ भी होल दिया है, दोनों को साथ मिलाकर हम इसमें स्क्रूप टाइट कर देते हैं। तो चलिए टाइट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ये पत्ती टाइट कर लिया, ये पत्ती बिल्कुल ही सीधा था, हमने इसको टेढ़ा करके एडजस्ट करके टाइट करने लायक बना लिए हैं। तो हमने दोनों, आप देख सकते हैं ये है सॉकर, यहाँ पे हम ये स्पीकर टाइट करेंगे, ये नट खोलकर इसको हम यहाँ पे
टाइट करेंगे, ये नट खोलेंगे और इसको छेक में हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने ये स्पीकर टाइट कर दिए हैं। यहाँ पे हमने इस सकर के ऊपर जो नट रहता है उसको खोलकर हम पत्ती उसमें लगाकर जो स्पीकर में लगाए थे वो पत्ती इसमें टाइट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं नीचे हमने पट्टी जो टेढ़ा किया था इसी वजह से किया था जो एडजस्ट हो जाए, तो हमने इसमें टाइट कर दिया। स्पीकर बिल्कुल सामने की तरफ आ गया, तो ये दोनों हमने स्पीकर इसी तरह हमने टाइट कर लिया। तो चलिए आगे हम चालू करते हैं और देखते हैं कि कैसे सेट होता है। आप देख सकते हैं ये दोनों स्पीकर को वायर हमने यहाँ पे लेकर आया हूँ और इसको यहाँ से हम अंदर अंदर करके इस टूल बॉक्स में हम ले आएंगे, क्योंकि टूल बॉक्स में ही अपना हम डिवाइस रखेंगे, क्योंकि उसको पानी से नहीं भिगाना है, वो बिल्कुल खुला होता है, पानी जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम इस वायर को अंदर करेंगे टूल बॉक्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं अगर वायर छोटा हो जाए तो इसको सॉकेट को काट कर इसमें दूसरा वायर यहां से कनेक्ट करके और दूसरे वायर के सिरे पे वो सॉकेट हम ज्वाइंट कर सकते हैं और यहां से हम डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम ये कनेक्शन आप देख सकते हैं हमने जो ये वायर कटिंग किया था वहाँ से ज्वाइंट करके दोनों स्पीकर का वायर हमने यहाँ से अंदर अंदर करके और ये टूल बॉक्स है इसको अंदर हमने छेक कर लिया साथ में और इसके अंदर हमने वायर इसको अंदर कर लिया और दोनों का सॉकेट हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिए हैं। ये म्यूजिक प्लेयर जो डिवाइस है वो आप कहीं भी टाइट कर सकते हैं, यहाँ क्लैंप लगाकर यहाँ भी टाइट कर सकते हैं या इसके ऊपर यहाँ पे दोनों स्पीकर टाइट कर सकते हैं जो पत्ती दिया है उसके साथ। तो आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी आप टाइट कर सकते हैं। हम केवल वायरिंग कर रहे हैं और वायरिंग आपको दिखा रहे हैं कैसे इसको वायरिंग करते हैं और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये डिवाइस है और इसका ये सॉकेट वायर वाला, तो हम इस दोनों को एक साथ करेंगे और सॉकेट को हम लगा देंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें वायर बहुत निकला हुआ है, तो हम आपको बता देते हैं ये कौन सा वायर है। आप दो देख सकते हैं ये सॉकेट वाला काला जो वायर है वो स्पीकर में जाएगा और ये जो आपको ब्लू तार दिखाई दे रहा है ये एलईडी पट्टी के साथ यानी ये स्पीकर के साउंड के साथ डेकोरेशन करेगा उस लाइट का है। तो अब ये दो काला और लाल जो तार है ये बैटरी के साथ कनेक्ट होगा प्लस माइनस, और इसके साथ एक और ब्लू तार है जो वो फ्री है, वो कोई काम का नहीं, इसको वैसे छोड़ देंगे। चलिए इसको हम फिट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये डिवाइस में हमने सॉकेट लगा दिया और इसको हम अंदर ऐसे कर देंगे। आप चाहे तो इसमें दो छेक दिया होता है चार, इसके अंदर हम कहीं भी क्लैंप लगाकर टाइट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस टूल बॉक्स में ही अंदर कर देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। आप ये जो स्पीकर का सॉकेट जो दिखाई दे रहा है इसको दोनों स्पीकर हम इस तरह कनेक्ट कर देंगे जो हमने वायर जोड़ा था उससे, और डिवाइस का जो सॉकेट है दोनों से हम कनेक्ट कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर ये म्यूजिक प्लेयर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें। अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। चलिए इसका हम बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पहले से एक स्विच लगाया हुआ था जो हम बैटरी से सीधा प्लस ले आकर इस एक छोर में और दूसरे छोर में हम डिवाइस का प्लस लगाएंगे। इस तरह डिवाइस का ये प्लस हो गया दूसरे छोर में जो हमारा स्विच से भी काम करेगा, और इसका डिवाइस का जो अर्थ है यानी माइनस तार है उसको हम बाहर निकालेंगे और इसके बॉडी में कहीं भी हम टाइट कर देंगे ये बाइक के बॉडी में, क्योंकि बाइक के बॉडी में जो अर्थ होता है बिल्कुल फैला होता है और केवल प्लस जो होता है वो वायर के साथ चलता है। तो हमारे बॉडी में पूरा अर्थ फैला हुआ है, हम कहीं भी इसके नट में कहीं भी हम। अब जो ये डिवाइस है इससे हम मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, तो ऐसे हम डाटा केबल जो चार्जर में लगा होता है उसको यूएसबी में इस तरह डिवाइस में हम लगा देंगे और दूसरे छोर से हम मोबाइल में कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं सीधा आपको दिखा रहे हैं लाइव कि चार्ज कैसे होता है। ये डिवाइस चार्ज करने में यानी चार्जर की भी ज़रूरत नहीं है बाइक में लगाने के बाद, ये इससे भी चार्ज कर सकते हैं अपना मोबाइल।
तो आप देख सकते हैं मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। वो हम पिन लगाते हैं मोबाइल में, ये डाटा लगाते हैं और आप देख सकते हैं आपके सामने ये चार्ज होगा। तो आप देख सकते हैं ये बैटरी पे अब चार्जिंग का निशान आ चुका है, ये बैटरी चार्ज हो रहा है। तो इस तरह ये डिवाइस एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है जो मोबाइल के साथ चार्ज भी करता है और बहुत सारे फीचर है इसमें। ये अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर दोबारा आप देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है, बिल्कुल ही ये क्लियर है। तो इस तरह ये चार्ज भी करता है। आप देख सकते हैं ये रिमोट है और हम यहाँ पे जो स्विच लगाए थे ये डिवाइस का, तो इसको ऑन कर देते हैं और रिमोट से हम चालू करते हैं। अलार्म ऑन, ये अलार्म ऑन हो गया। अब इस बाइक को कोई भी टच करेगा ये अलार्म चालू हो जाएगा। तो दूसरा आप देख सकते हैं इस तरह अलार्म चलेगा। अब ब्लूटूथ कनेक्ट कराते हैं मोबाइल में। आप देख सकते हैं ये है मोबाइल, इसका ब्लूटूथ हम चालू कर दिए हैं। The Bluetooth device is connected successfully.